ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਵਯ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਵਯ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਵਿੰਦ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਮੜੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਮੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਾਹਿਲ ਪਟੇਜਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। स्वामी हिरानंद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, आज किस उपलक्ष्य में सत्संग कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पे? सर्वप्रथम सभी प्रभु भक्तों को जय श्री कृष्णा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं और उसी श्रृंखला में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के स्थायी आश्रम के अंदर किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी ब्रह्मनिष्ठा भारती जी भगवान कृष्ण की लीलाओं में छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट कर रहे हैं और साथ ही साथ मंच के माध्यम से संत समाज द्वारा बहुत ही सुंदर भजनों का गायन किया जा रहा है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आज ईश्वर के चरणों में पूरी मानव जाति के कल्याण की कामना करता है और एक बार पुनः मैं सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नूर महल में आपका बड़ा डेरा है, आपकी तरफ से या आपकी संस्था की तरफ से ऐसे क्या कार्य किए जाते हैं? आरबी लाइव मीडिया के माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से अनेक प्रकार के समय समय पर सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि संस्थान के द्वारा गौ सेवा के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट कामधेनु के नाम से चल रहा है, गौ संरक्षण गौ संवर्धन कार्यक्रम, जिसके तहत भारतीय नस्लों का संरक्षण और संवर्धन चल रहा है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि पूरे नॉर्थ इंडिया में संस्थान की गौशाला को साहिवाल नस्ल के लिए प्रथम गौशाला का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए संस्थान का एक प्रकल्प मंथन के माध्यम से चल रहा है और वहीं दूसरी ओर अंतर क्रांति के माध्यम से संस्थान जेलों में बंद जो बंदी भाई हैं, जो कैदी हैं, वो किस प्रकार सुधर पाएँ, वो किस प्रकार समाज की एक जिम्मेदार भूमिका अदा कर पाएँ, इसके लिए भी कार्यरत है। अंतर्दृष्टि प्रकल्प के माध्यम से संस्थान दिव्यांगजनों के लिए, उनके सहयोग के लिए कार्यरत है। इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए संस्थान का संरक्षण प्रकल्प है, जिसके तहत दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण का अभियान जारी रहता है और ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा संस्थान समाज कल्याण के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहता है।